गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। बात लद्दाख की, जहां पर निचली सतह पर सरकारी और निजी दोनों शोबों में काम करने वाले फार्मासिस्टों तक पहुंचने की अपनी कोशिश के तसलसल में लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिवर्स यूनिट ने आज ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग रेगुलेटरी विंग के तआवुन से यूटी लद्दाख ने वर्कशॉप का इनेकाद किया और खालसे ब्लॉक के अंदर सरकारी और प्राइवेट फार्मासिस्टों और केमिस्टों के साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खालसे में तरबीती सेशन मुनाकिद हुआ। अगर कोई बोलना चाहे तो देयर वेलकम, वो बोल सकते हैं। तो करते भी होंगे लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये आपको तसल्ली चुके इसकी। लद्दाख में इंतजामिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख संजीव खेवार ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में जी सेचुरेशन प्रोजेक्ट के नफाज के सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। जनरल मैनेजर बीएसएनएल ले कुलदीप कुमार जुन्नेचेयर को बताया कि इस प्रोजेक्ट में इजाफी 22 गाँव या बस्तियों को शामिल किया गया और 4 जी सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 379 गाँव या बस्तियों का अहाता करने के लिए कुल 245 ट्रांसवर स्टेशन यानी BTS साइट्स की भी निशानदेही मुतलकिन की जानिब से कर दी गई है। करगिल लद्दाख के अंदर नौजवान फनकारों ने बिलखसूस लड़कियों के ग्रुप ने जिला इंतजामिया करगिल और महकमा तालीम करगिल के तआवुन से जिले के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में कामयाबी के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट और क्राफ्ट फॉर्म्स की तरबियत हासिल की है। आर्टिस्ट ग्रुप ने बड़े जोश और अज़्म के साथ 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक करगिल के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में फनून और दस्तकारी की मुख्तलिफ शक्लों में तलबा की महारत को बढ़ाने और इनकी नशोनुमा के लिए काम किया। इस दौरान फनकाराना सलाहियतों का मुजाहिरा नौजवान बच्चों की जानिब से बिलखसूस छोटी बच्चियों ने किया। चलिए प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, वक्त छोटे से ब्रेक का है। वीडियो नंगा ngatange jalta salin kazugi nyerange range dontange nanga marnage chat nyun chothubin deka nam nyerange marnag nyu achiktang chat borti yotkhandang nyunga nyu azat kabekane nyerange marnag kolkhanika snangtax borthubin dontang skola chiktang marnag snode nangne skyangda tange chapza snot chiktang tapste salazat kamzde phantok sepia na sose marnag spoin kolazat मरनाक लानमंग टोनमो चोइन माजुक्स मरनाक सेचिक लमचेसला कोल तिस्तिंगने यंगस्कर लामाला कोल मागोस मारतंगी मॉडरेशन तंग न्यून कोलाजात तिने इ विडे नंगा ngatang espera tang kazuga jang emitse nanga marnak lenches nyun choin skyodang yang lanchik jiksin ngatanga chi chi hago leka nam nyerange marnak nyu achiktang sat borti yotkandang nyun nyu azat kavekane nyerange marnak kolkane ka nastak borthubin dontang skola chiktang marnak snot chigne skyangda tang chabla snot chiktang tapste salazat khamsde phantok sefia na sose marnak spoin kolazat marnak lanmang tonmo choin majuks marnak sechik lamchela koltestingne yangsker lamala kol magos martangi moderation tang nyun kolazat एक जरूरी इतला, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए तारीख में 30 दिसंबर तक एक्सटेंशन कर दी गई है। लिहाजा लेह और करगिल के तमाम तलबा को इतला दी जाती है कि NSP पोर्टल पर जाकर 30 दिसंबर से पहले अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। तारीख में मजीद एक्सटेंशन का कोई इम्कान नहीं है। DIPR यूटी लद्दाख की जानिब से पब्लिक इंटरेस्ट में जारी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बात लद्दाख की हो रही थी, जहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खलसे की फैकल्टीज ने 7 से 13 दिसंबर 2022 तक प्री एडमिशन कम काउंसलिंग सेशंस का अहतमाम किया। इस बीच GDC खालसे के तलबा और फैकल्टी मेम्बरान ने सुक्रबचन खालसे और टंगमो स्किंग गांव के हायर सेकेंडरी स्कूलों का भी दौरा किया, जहां पर मुतलकिन की जानिब से मौजूआत पर बहस हो रही है। लद्दाख में मुशीर
उमंग नरूला ने अप्रैल 2023 में यूटी के अंदर होने वाले G20 इजलास की तैयारियों के इजलास की सदारत की। आज एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसकी वो सदारत कर रहे थे। बैन अवक़ामी इक़्तिसादी तआवुन सदर यानी G20 1 दिसंबर को हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जिम्मेदारी संभाली है। गुज़श्ता माह बाली सरबराही इजलास में इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म मोदी को उनकी मौजूदगी में सदारत हिंदुस्तान को मुंतकिल की थी और 32 मुख्तलिफ काम के सिलसिले में 50 से ज़्यादा शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंगों की मेज़बानी भारत करेगा, जिसके लिए लद्दाख के अंदर भी तैयारियां मीटिंग के लिए चल रही हैं। उमंग नरूला ने आज ताज़ा तरीन ब्रीफिंग के साथ तैयारियों का जायज़ा लिया। महकमा तालीम करगिल ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल में ERP सॉफ्टवेयर पर पावर और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों ZEOs के साथ साथ हेडमास्टर्स और उसाद्जा के लिए PM स्कीम में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इस हवाले से इनेकाद किया। CEO करगिल मुश्ताक अहमद के अलावा स्टेट नोडल ऑफिसर PM श्री खुशबू जोशी के साथ साथ समग्र कोऑर्डिनेटर शिक्षा करगिल आगा सैयद सजाद के साथ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर PMSRI जीशान अली ने प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि हटाजी MGR यूनिट के माहरीन जिनकी टीम ने अमली तौर पर आज इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की और माहरीन ने अपनी अपनी आरा पेश की। मेरा नाम खुशबू है और मैं डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन में एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट काम कर रही हूँ और ये जो नया स्कीम लॉन्च हुआ है PM श्री, मैं उसको भी एज अ स्टेट नोडल ऑफिसर देख रही हूँ। PM श्री लॉन्च हुआ था इस साल सितंबर में, 5 सितंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको ग्रीन फ्लैग दिया था और इस स्कीम का जो विजन है वो ये है कि पूरे कंट्री में लगभग 15,000 स्कूल्स जो हैं वो ये कवर करने वाले हैं। इसके अंदर एक एग्जाम्पलर स्कूल्स का जो है एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं कि ये जो है ये हमारे इंस्पिरेशनल स्कूल्स हैं, इनको देख के कम्युनिटी में और स्कूल्स ग्रो करेंगे। उसी तरीके से आज हमने अपने जितने भी हमारे जो स्कूल्स हैं जो बेंचमार्क लिस्ट में थे, हमने उनको बुलाया था फॉर एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहाँ पर हमने उनके डाउट्स क्वेरीज जैसा फॉर्म कैसे भरना है क्या करना है वो क्लियर किया। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को इस स्कीम का बेनिफिट उठाने का मौका मिलेगा। क्यों चेयरमैन CEC LEHDC करगिल फिरोज खान ने आज करगिल के शहरी इलाकों और करबथांग सतह पर मुर्तफे पर मुश्तमिल इजाफी इलाके में 2400 घंटे वाटर सप्लाई स्कीम के तस्वराती रिपोर्ट के हवाले से एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर CEO LEHDC करगिल संतोष सुखदेव, काउंसलर करगिल टाउन, काउंसलर पॉइंट, काउंसलर मिंजी बारू, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PHE IND FC करगिल, नायब सदर MC करगिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE करगिल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC करगिल और कंसल्टेंट ने भी इजलास में शिरकत की। इधर चेयरमैन CEC LEHDC करगिल फिरोज खान ने आज ही काउंसिल सेक्रेटरीट में माली साल 2022-23 के लिए सब्सिडी के जुजों के तहत जिस्मानी और माली पेशरफ्त के हवाले से एक जायजा इजलास की सदारत की। फोनसुक ताशी, इसके अलावा EC सोशल वेल्फेयर सैयद महदी फाजली, EC हेल्थ मोहसिन अली, डिप्टी कमिश्नर CEO LEHDC करगिल संतोष सुखदेव के अलावा चीफ कंट्रोलर फाइनेंस यानी CCF और LEHDC करगिल इफ्तिखार हुसैन, ACD करगिल गुलाम मोहम्मद, इसके अलावा दीगर मुतलका महकमों के अफसरान जिनमें महकमा शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री, ज़रात, तालीम, बागबानी, क्रेडा, हैंडलूम और दीगर महकमों के मुतलका अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की।